हमारे SOPs का ख्याल रखे हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइज़र भी यहाँ मौजूद हैं, और जितने वोटर भी आ रहे हैं माशाल्लाह वो भी मास्क पहने हुए आ रहे हैं। तो एक अच्छी एक्टिविटी है जो हर साल कराची प्रेस क्लब में होती है, एक जमहूरी अमल है जो हर साल होता है, और उसमें पिछले कई बरस से डी डेमोक्रेट्स जो है वो जीतते चले आ रहे हैं। तो इस साल भी मैं चूँकि ख़ुद भी डेमोक्रेट्स की तरफ से सदर का उम्मीदवार हूँ, तो ये उम्मीद है कि इस साल भी जो हमारे अरकान क्लब हैं वो हमारे हक़ में फ़ैसला देंगे और हमें अपनी खिदमत का मौका देंगे। जो माहौल है बहुत पुरसकून है, तमाम लोग दोस्त हैं, अहबाब हैं, आपस में मिलजुल के इलेक्शन लड़े, और इलेक्शन की खास बात ये कि जब शासन में इलेक्शन खत्म होगा और उसके बाद नतीजा आएगा तो तमाम दोस्त दोबारा एक साथ बैठे होंगे, एक साथ गिरे होंगे इस क्लब में। तो मैं सोचता हूँ कि क्लब का जो हुसन है वो यही हुसन है क्लब का, और एक अगर किसी ने जमहूरी सीखी तो कराची प्रेस क्लब से सीखे कि वह यहाँ पर किस तरह जमहूरी फ़रोग मिल रहा है। हाँ देखिए, कराची प्रेस क्लब जो है वो आज़ादी सहाफत और आज़ादी इजहार राय का गढ़ समझा जाता है। आज जो है कराची प्रेस क्लब के हर साल की तरह आज भी इलेक्शन हो रहे हैं और हम अपनी आज़ादी इजहार राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपनी जो हमें हक़ रायदेही का इस्तेमाल करना होता है हर साल हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची प्रेस क्लब के तमाम मेम्बरान जो हैं वो अपने वोट के राइट के लिए आज क्लब आ रहे हैं। तमाम SOPs का भी यहाँ ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना की वजह से दो पैनल इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, हम यूनाइट पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। यूनाइट पैनल हमने तश्कील दिया है जिसको इस वक्त लीड कर रहे हैं जनाब हबीब खान गौरी साहब। हबीब खान गौरी साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर रहे दो मरतबा, कराची प्रेस क्लब के सदर रहे दो मरतबा, और आज़ादी सहाफत के लिए इनकी बड़ी खिदमत हैं। हम समझते हैं कि एक ऐसे शख्स की सरकर्दगी में जो लोग आएंगे जीत कर वही यकीनन इस क्लब के वक़ार को जो है दोबारा बहाल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे मैं जीत गई तो मैं बिल्कुल मैं तो बोलूँगी कि और खवातीन को यहाँ पे इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए और आनी चाहिए और बहुत ज़्यादा चेंज। वैसे भी प्रेस क्लब में बहुत चेंज आया है, डेमोक्रेट्स 14 साल से जीत रहा है और प्रेस क्लब में वोट की वजह से बहुत औरतों के लिए ये बहुत अच्छा यहाँ पे ना एक माहौल बहुत अच्छा है। हम लोग इस तरह से घूमते हैं जैसे अपने घर में घूम रहे हो, तो मैं और कोशिश करूँगी कि वो और कम्फर्टेबल हो यहाँ पर और आराम से यहाँ पर आके अपना खाना वाना तो प्रेस क्लब का सबसे ज़्यादा मशहूर है, बैठ के खाना भी खा सके, और अगर उनके पास कोई अच्छी रेसिपीज वगैरह है तो वो टिप्स भी शेयर कर लें। और मैं यही कह सकती हूँ कि प्रेस क्लब को हम अपना दूसरा घर कहते हैं और मैं यही चाहूँगी कि खवातीन भी बिल्कुल उसको मैं तो दूसरा घर समझती ही हूँ और औरतें भी समझे इस तरह। वो दो ग्रुप यहाँ हिस्सा ले रहे हैं प्रेस क्लब के इलेक्शन में, डेमोक्रेट से और हमारा जिस ग्रुप से मेरा ताल्लुक है उसका यूनाइटेड पैनल है, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए खड़ा हुआ। तो हम तीन नुकात एजेंडे पर काम करेंगे, अरकान प्रेस क्लब के लिए तालीम, रोज़गार और सेहत, ये फोकस होगा हमारा। और इंशाल्लाह इस पूरे साल अगर हम जीतते हैं तो पूरे साल हमारी कोशिश ये होगी कि हम अरकान प्रेस क्लब को ये तमाम चीज़ें जो जिनका हमने वादा किया है वो हम अपने वादे में पूरा उतरें। हम तमाम कोविड की तमाम SOPs को हमने फॉलो किया है, अंदर जो हमारा सिर्फ वोटिंग एरिया है सारा सिटिंग एरिया हमने बाहर किया हुआ है। आप सैनिटाइज़र मौजूद हैं, ग्लव्स मौजूद हैं, मास्क मौजूद हैं जो कि लाजमी, और वहाँ पर हमने जो वोटिंग साइड है जो कैंप है वहाँ पे लाजमी मास्क लाजमी करार दिया। मेरा नाम कासिम खान है, मैं यूनाइटेड पैनल की तरफ से सेक्रेटरी का उम्मीदवार हूँ। मेरा मोटो है जो डेमोक्रेट्स के नाम पे कराची प्रेस क्लब पे जो कब्जा है, जहाँ पे जो डिक्टेटरशिप कायम है इसका, और मेरा मैसेज ये है कि यूनाइटेड पैनल को आप वोट दें, और ये यूनाइटेड है तमाम प्रेस क्लब के अरकान हैं जो हर नस्ल रंग और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, और हम एक गुलदस्ता हैं, हमारे साथ हैं, और प्रेस क्लब को जो है ना कब्जे से आज़ाद करें। इलेक्शन होता है, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन इलेक्शन ज़रूर होता है, और हमारे दोस्त हम एक दूसरे के आमने सामने भी खड़े होते हैं और मुकाबला भी करते हैं, वर्क भी करते हैं, और जिस जो जीतता है जो मुखालिफ पैनल नहीं जीतता वो भी हम सिंधी में कहते हैं खीर खंड, उस वक्त खीर खंड हो जाते हैं, मीठापन आ जाता है, हम एक दूसरे की मिठाई खाते हैं। तो अभी जो है जो वोटिंग का सिलसिला जारी है, हमें उम्मीद है कि हमें भी वोट दोस्त देंगे, और मैं यूनाइटेड पैनल से गवर्निंग बॉडी का उम्मीदवार हूं, और हमारा पैनल हबीब खान सीनियर जर्नलिस्ट हबीब खान गौरी के क़यादत में है, और जिसमें कासिम खान सेक्रेटरी और दीगर अहदेदार भी शामिल हैं। और हबीब खान गौरी की तारीख है कि उन्होंने हमें प्लाट दिलवाए थे और उसके KUJ का बुनियाद भी रखा था, और उसकी जदोजहद अभी तक जारी है, उम्मीद है कि हमें सिला मिलेगा।
जी, ये हमारी जो कराची प्रेस क्लब के इलेक्शन है हर साल की तरह, इस साल भी दिसंबर का जो लास्ट सैटरडे है, और आप देख रहे हैं कि बहुत गहना गहमी है। दो पैनल जो है वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये कराची प्रेस क्लब की रिवायत है कि हर साल यहाँ तवातुर से इलेक्शन होते हैं, और जो यहाँ जमहूरी रिवायात हैं उनको यहाँ एक्सरसाइज किया जाता है, और जो हम जिस चीज़ का नारा लगाते हैं कि फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको हम एक्सरसाइज करते हैं। और आज भी देखें आप, इंशाल्लाह जो यहाँ बड़ी तादाद में जो हैं वो मुख्तलिफ चैनल्स और अखबार से वाबस्ता साफ़ी यहाँ आ रहे हैं और अपना वोट खास करें।